बस ये लो। कोई है क्या? वाह सब मर गए क्या? अबे कौन है तू? कैसे गला फाड़ रहा है? यहाँ का तो ना लग रहा तू। गला नहीं फाड़ रहा मैं, पिछले 3 सालों से यहाँ आकर अपना पिछवाड़ा घिस रहा हूँ। कभी कहते हैं उस पार्क में जाओ, कभी कहते हैं उस पार्क में जाओ। मुझे अभी मैनेजर से मिलना है। हाँ मैं ही मैनेजर हूँ, बोल क्या काम है? क्या आप ही मैनेजर साहब हैं? आइए बाहर आइए प्लीज। चलो चल बे, चल यही बैठ के बात करते, मेरी आ रही है। चल हाँ भाई, क्यों रो रहा है? सर मेरी बुआ पिछले 40 सालों से यहाँ पर माली की नौकरी कर रही थी, जिनके 3 साल पहले मच्छर को काटने से मौत हो गई थी। मच्छर को काटने से? नाम क्या है? जी श्याम। श्याम, ये मर्दाना नाम तेरी बुआ का बचपन से ही है? सर मेरा नाम श्याम है, मेरी बुआ का थोड़ी। बुआ तो जिससे भी मिलती थी ना, अपना असली नाम कभी नहीं बताती थी। और बुआ का एक लौता तन्हा रिश्तेदार होने के नाते ये माली की नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए। तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले किसी जोता चूल के साथ तुम्हारी बुआ ने भाग के शादी कर ली थी। क्या? और उसी से तुम्हारी बुआ को एक लड़की भी है जो बहुत ही कंचा पीस है, और उसने भी इसी नौकरी के लिए अर्जी दे रखी है। सर मुझे नहीं पता, ये नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए। और तुम्हें पता नहीं इस नौकरी को पाने के लिए मैंने किस किस को टोपी पहना रखी है। अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारी ताई फेंक के भाग जाऊंगा। चल हटा, पता नहीं तेरे जैसे कितने आते हैं, और जब भी कोई नौकरी का होगा ना तेरे को बता देंगे। अब चल निकल यहाँ से। सॉरी बॉस। ओए मतलब भाई रुक, साले टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। रुक रुक रुक, भागता किधर है? रुक रुक साले, मैं भागता किधर है? मरते मेरा, उसका पीछा कर। ए परसे मेरा, ओए ए परसे बे। रुक 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 साले, रुक रुक। ला निकाल। क्या निकालूं? अबे परसे निकाल, परसे। देसी मुर्गी। चल देसी मुर्गी किसको बोलता है? दो पर्स? इसका मतलब ये पर्स उसी नेस्ती का था? ए ये रहा वो, ये रहा, ये पकड़ो 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 पकड़ो। मेरा पर्स, मेरा पर्स। तेरे पैसे तो नहीं लिए साला। जाफराबाद 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 आ जाफराबाद। हेलो, मैं गत्ते वाला बोल रहा हूँ। जलेबी लाल घर पे है क्या? अरे कौन जलेबी लाल, ये जलेबी लाल का मजार नहीं है। क्या जलेबी लाल घर पे नहीं है? तो किधर है? अरे उल्लू के चरखे लाल जलेबी हलवाई की दुकान पे मिलेगी रे बाबा। फोन लग। हेलो हेलो, हाँ जलेबी लाल घर पे है क्या? अरे जलेबी लाल की तो कब्र खुद गई, बहुत आरने बाकी है। वैसे तुम क्यों पूछ रहा हो? अरे मेरी लकड़ी का क्या हुआ? अरे वो तो मैंने जला डाली रे बाबा। जला डाली? हाँ वो तो मैंने कोरोना काल में जितनी भी शमशान घाट थे सबको जान में दे डाली। रख फोन। साला जलेबी लाल जलेबी लाल जलेबी लाल कर रहा है। बाबूराव जी है क्या? नहीं है। साला कार्डियक भी भोगता। बाबूराव जी है क्या?
हाँ तुम कौन? जी मुझे वो भाड़े पर। ओके ओके, देखने में तो परलोक के लगते हो। कौन से लोक से आयो? जी इंदर लोक। बहुत ही अच्छा लोक होने का, सारा पुरानी दिल्ली से भरा पड़ा। जी मुझे वो बाग देखो, शालीमार बाग, पंजाबी बाग, ये सब बिक चुका है रे बाबा। एक ही बाग बचा है, जमालुक बाग। आओ दिखाता हूँ। जी मेरा मतलब है वो जो शहजादा बाग में आंसू कपड़े वाले हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। देवर है देवा, वो तो बहुत चंगा आदमी है रे बाबा। बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या? जी मेरा नाम श्याम है। तो शाम बदल के सुबह रख लेने का, इसमें इंदर लोग से यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बाबू राव जी देखिए, कुत्ते की तरह भोगने और दुम हिलाने की मेरी आदत तो है नहीं। तो अपने माहौल के बारे में मेरे को क्यों बता रहा है बाबा? बाबू राव जी, सारा मोहल्ला जानता आप कितने घटिया दिल इंसान हो। बेवड़ों से लेके अफीमचियों तक को आप अपने घर में रहने को देते हो, मैं तो सिर्फ खैनी खाता हूँ। प्लीज मुझे आप अपने घर में रहने दो, प्लीज प्लीज। ठीक है रे बाबा, लेकिन तेरे को खैनी खिलानी पड़ेगी रे बाबा, महीने के 12 पैकेट। लेकिन बाबू भैया, मैं तो जब घर से चला तो सिर्फ 10 पैकेट ही लेके चला था। हाँ तो ला दे। लेकिन बाबू राव जी, उसमें 4 तो इंदर लोक से आते आते मैं रिक्शे में ही खत्म कर दिए थे। हाँ तो ला, छह दे। लेकिन बाबू भैया, उसमें से 2 तो मैंने रात के खाने के लिए रख रखे हैं। तो ला, चार दे। देवा पूरी रात का जुगाड़ हो गया रे बाबा। देखो भाई, अगर यहाँ रहना है तो घर का काम करना पड़ेगा रे बाबा। ये तुम्हारे मामू का मकान नहीं है, बाथरूम साफ करना था तो ठीक है, पखाना साफ कर लेना। ये देख रहे बाबा, यहाँ पे तेरे को नहाने का, धोने का, पिछवाड़ा धोने का सबका पानी मिलेगा रे बाबा। लेकिन बाबू भैया, ये तो बहुत गहरा है, इसमें तो गोबर लेंडा वेंडा सब भरा पड़ा है। तेरे को कुत्ते की तरह डुबकी मारने को नहीं बोल रहा हूँ रे बाबा, इसमें पाइप डालने का, मोजा खींचने का और बाल्टी भर लेने का। आ तेरे को घर दिखाता हूँ। क्या कर रहा हो बाबू भैया, तुम हफ्ते भाई आते हो क्या फिर भी? अब कितनी बार बोला तेरे को, पूरा पजामा पहन के हक कर। तो पजामा पहन के हकता है ना, अगर नहीं तो मेट्रो स्टेशन पे पटरी पे जाकर हकने का। बार बार मेरे पीछे क्यों आ रहा है बाबा? बराबर वाले कमरे में अपना सामान रख दे, हकने वाला लड़की वहीं रहता। चल जा। ला, एक तो 6 दिन से चूरन खा के टट्टी उतर नहीं रही है, और इसको जो है घर दिखाना है। वो जो बाग में लोग पेड़ पौधे देखने आते हैं, उन्हें घर क्यों दिखाते हो? अब गोले, वो पेड़ पौधे देखने नहीं आया, यहाँ पर रहने आया। इस हराम का खाने वाले को यहाँ पे रहने को कर दिया? हराम को खाने वाले? लेकिन इसने तो बोला ये खैनी खाता। ये साला कुत्ते कबाब भी खाता। एक चल निकल आते, चल निकल। हाथ मत लगा, यही बात मैं बाबू राव जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। बाबू राव जी के मुंह से रहा तू? बाबू राव जी, मैं देखता हूँ तू यहाँ कैसे नहीं जाता अभी। बाबू भैया, सच में तू हराम का खाता है क्या? नहीं बाबू भैया, अगर मैं हराम का खाने वाला होता तो इतनी दूर से मालिक की नौकरी करने यहाँ आता, और वैसे भी अगर मैं हराम का खाने वाला होता तो आपकी तरह मोटा और ताजा होता। चल, ये तेरे बैग पकड़ो, चल निकल। राजू रुक जा, ए कामरान। कामरान नहीं, श्याम। अरे तू कोई भी लॉटरी का जीता हुआ नाम, तू अपना बैग उठा और अंदर जा। अरे आप उस अफीमची को रखने के लिए इतने नशेड़ी क्यों होते जा रहा हो? वो फ्री में नहीं रहेगा रे बाबा, 4 पैकेट महीने में खेनी के खिलाएगा। हाँ तो उसके हिस्से के 4 पैकेट मैं खिला दूंगा आपको महीने के। श्री देवी रे देवी, तू मेरे को आज तक 120 नंबर का पान नहीं खिला सका रे, उसके हिस्से की भी खेनी खिलाएगा। तू जा रे। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। हाँ, तू जा रे बाबा। मैं नहीं जाऊंगा, 120 और रवि 64 का पान खिला के जाऊंगा। प्रेशर आ गया रे यार। और राजू, ये का कुत्ता बना बहाने कर ले, मुझे बहुत देर लेटरिन आ रही है। चल मेट्रो की पटरी पे चल, हट। ए राजू, जल्दी बाहर निकल राजू। अरे तू यहाँ पे खड़े हो गए, इसकी बदबू सूख रहा है। देखो ना बाबू भैया, इतनी देर से वहाँ बैठ के चड्डिया धो रहा था, जैसे ही मुझने मुझे देखा लेटरिंग आ रही है, ये जा रहा है, फट से अंदर घुस गया और कुछ कर भी नहीं रहा। मुझे मालिक की नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए पार्क भी जाना है। आप बोलो ना इसको, जल्दी से बाहर निकले। ए राजू, बाहर निकल, को जाने दे। ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले में मत आओ, समझे ना। देखो बाबू भैया, कुछ कर नहीं रहा, ऐसे अंदर बैठा हुआ है। मैंने पर्दा खुला छोड़ दिया, जिसको भी शक है पर्दा हटा के देख सकता है। बाबू भैया, आप बड़े हो,
आप ही देखो अंदर जाके। देवरे देवा चलो सुबह सुबह मेरे को ये देखने का। ए राजू तू बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा, ये डालू तेरे ऊपर पानी। नहीं तेरी तो कौन है ये पताका बीड़ी? मेरे को तो ये गुल का डब्बा लग रही है बाबा। अरे तुम में से ये इंदर लोक वाला श्याम अफीमची कौन है? जी मैं हूँ। इधर आ खबच्ची कोने में, तुझसे कुछ बात करनी है। चल मैं तो नहीं आ रहा कोने में, जो बात करनी है यही कर। अब आ ना। अच, मैं नहीं आ रहा। चल फटाफट आ, मैं जा रही हूँ। आ रहा हूँ चल। मुझसे मिलने आई है, मैं भी तो देखूं कौन है दूसरी दुनिया का एलियन। अरे जो आप माली की नौकरी के लिए पार्क में जाकर कुत्तों की तरह इतना हल्ला कर रहा हो, आपको अच्छा लगता है क्या? आप कौन? मैं चंपा बावली। ओ तुम ही हो बुआ की लड़की, मैं देखता हूँ तुम वो माली की नौकरी कैसे करती हो। अच्छा पिछवाड़े में दम हो तो रोक के दिखाइयो। चलो फिमची जा रहे नहीं जा रहे, यहाँ से अद्धा मार दूंगा। अरे मर्दों की मुवाली बहन जी, मर्दों की मुवाली बहन जी सुनिए, कमाल है, इतनी देर से जंगली सूरों की तरह आवाज लगा रहा हूँ और आप होगे कानों में पता नहीं क्या लगा के बैठी हैं। हाँ बोलो क्या काम है? मुझे पता है कि आपका काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। कहना क्या चाहते हो? जी मेरा मतलब है कि शाम और मैं बचपन के दोस्त हैं, उसने और मैंने बचपन में एक दूसरे की छी धुलाई है। आप तो बस इतना बताओ कि मुझे करना क्या है आखिर में। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। बाबू भैया इस राजू ने ना कल रात को मेरा अंगूठे का साइन लेकर उस लड़की को दे दिया और उस पर लिख दिया कि मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी लड़की रे बाबा? वही मर्दों का मुंह वाली लड़की जो उस दिन हमसे मिलने आई थी, और उस पर ये भी लिख दिया कि मेरी नजबंदी हो रखी है, मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं। क्यों करता है राजू ऐसा? बाबू भैया आप बीच में हट जाओ। बाबू भैया आप बता दो। बाबू भैया आप नहीं, 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 नहीं। तू जा रहे बाबा, तू जा तू जा तू जा तू जा। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना आज असली में इसकी नजबंदी कर देता मैं। अपना छिचोरा रूप नहीं देखा उसने। राजू अंगूठा का साइन रात को तू नहीं दिया था, मैं इतनी आसानी से लिया उसको पता नहीं चला। अरे राजू का स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबू भैया की कलाकारी है रे बाबा। ओ भाई तुझे घनश्याम का घर मालूम है? चलना निकल मुझे पता है। पार्टी ओ सरदार ठंडे रख। देखो ये फिर बोल रहा है तुम्हारे बारे में। वे चल निकल यहाँ से। सरदार जी
हाँ भाई, आप वो शाम को ढूंढ रहे जो चश्मा लगाता है और उसके कपड़ों में तंबाकू की बदबू भी आती है? और तू जानता है उस कपच्ची को? अगर मैं आपको उसके पास ले जाऊँ, आप मारोगे उसको? मारूंगा, इसे पूरा का पूरा उसमें गुजर दूंगा, खुद खाली पता पता। ओए, तू उसे चुपके से बुलाइयो वरना कुत्ते का बच्चा भाग जाएगा। अभी ऐसे कैसे भाग जाएगा? और शाम और बाहर आओ, और देखते रहो कोई मिलने आया। क्या कर रहा है रे बाबा, क्या कर रहा है? थोड़ी देर चल, थोड़ी देर, हट हट चल चल चल। अच्छा खासा मजा आ रहा था, बस अपना ठंडी स्त्री ऐसा मुंह हड़ा दिया। ओए मेरे पैदे, ओए तुझे पता है मुझे अपनी बकरी छुड़ानी है? तुझे पता है ना मेरे पास एक ही बकरी थी अपने एंड में बकरी के लिए, और तूने वही बिकवा दी। किसी चक्कर में मुझे अपने एंड में बकरी के साथ सोना पड़ रहा है, और साला जैसी नींद आती है साला वैसे ही उठा देता है। ओए चल पह निकाल। देवा रे देवा, कहाँ से देवा रे बाबा, ये तो खुद पिछवाड़े से खोर घूम रहा है। पक्कर सिंह बाबू राव जी ठीक कह रहा है, मैं अगले हफ्ते तक तुम्हारे पैसे दे दूंगा, फिर हम दोनों मिलकर अंडवे बकरा और बकरी की शादी करा देंगे। जब तक तुम अंडवे बकरे को झेल लो। ठीक है, अगले हफ्ते तक मेरे पैसे नहीं मिले फिर देख मैं क्या करता हूँ। ओए हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। शाम, मुझे पता नहीं था मेरे दोस्त कि तू भी कर्दे में डूबा हुआ है। आज से हम सब दोस्त। चल छोड़ दो भाई, मुझे नहीं पता नंबर नंबर सेटिंग के पास अपनी बैठा था। ले आया बॉस, मैं से यही है वो खूनी। पता मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठा था भाई, छोड़ दो मुझे। बॉस यही है वो हरामजादा, इसे सब नंबर पता है, यही है वो खबरी। 9851 आगे हम कुछ समझ लेंगे। हेलो हेलो, आई एम फकीर स्पीकिंग। ठीक है, साले ने गलत नंबर दिया, मार साले को इसको। हरामजादे गलत नंबर देता है। भाई आपको मैंने नंबर सही दिया था, मैं अपने सर की कसम खा के कह रहा बिल्कुल सही नंबर था वो। बॉस ये तो कह रहा सही नंबर है, दोबारा मिलाओ। दोबारा हेलो, आई एम फकीर स्पीकिंग। ठीक है बता दूंगा। साले ने फिर गलत नंबर दे दिया, मार साले को। छोड़ा बनता है फिर गलत नंबर। भाई मैंने आपको नंबर सही बताया, मुझे माफ कर दो, नंबर बिल्कुल सही है, अपने सर की कसम खा रहे हैं। भाई मैंने आपको नंबर सही बताया, माफ कर दो। ये तो फिर गहरा सही नंबर है, तिवारा नंबर मिलाओ या मैं मिलाता हूँ। चल बे वहीं खड़ा ले, फोन मैं मिलाता हूँ। चल बे यार पेशावर। अरे कौन है यार ये? हेलो, आई एम फकीर स्पीकिंग। फोन रखने से पहले जलेबी लाल मेरी एक बात सुन ले, तेरी मुर्गी मेरे कब्जे में है। राजू, 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 बाबू भैया, बाबू भैया, ए बाबू भैया, राजू, ए बाबू भैया, ए राजू, ए राजू,